एवरीवन, आई एम ललिता धाकड़ एंड यू आर वॉचिंग ललिताज इंग्लिश क्लासेस। इंग्लिश के अंदर अगर आपको टेंस सीखना है, पैसिव वॉइस सीखना है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और नरेशन सीखनी है या स्पोकन इंग्लिश करनी है, सभी जो आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनमें वर्ब्स जो है उनकी फॉर्म याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन जो इरेगुलर वर्ब्स होती है जिनकी फॉर्म्स चेंज होती रहती है वो थोड़ी सी ज़्यादा परेशान करती है, याद नहीं होती है या फिर हम रट लेते हैं अगर, तो फिर थोड़े टाइम बाद हम वापस उनको गलत करते हैं या भूल जाते हैं। तो आपकी इसी परेशानी को हटाने के लिए मैं आज आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। 5 जो वर्ब से इनको मैंने एक पैटर्न के थ्रू लर्न करवाने की कोशिश करी है। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको आज के बाद इन वर्ब्स को रटने की बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े। आइए सेशन शुरू करते हैं। तो ये जो 5 वर्ब्स है केवल ये ही इस पैटर्न में रहेगी, इनके अलावा कोई और जो वर्ब है वो इस पैटर्न में नहीं आएगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले तो मैं आपको फर्स्ट फॉर्म इसकी बताती हूँ इन सभी की, वैसे आपको पता भी होगा शायद। खरीदने को हम कहते हैं बाय, BUY, ठीक। लाना, लाना को अगर आपको किसी को बिल्कुल नहीं याद है, और किसी किसी बच्चे को क्या होता है स्पेलिंग में मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है, तो आप मेरी एक ट्रिक याद रखें। रिंग की स्पेलिंग जो होती है वो सबको याद होती है अक्सर, तो आप उसके आगे क्या लगा दें, बी, तो आपको स्पेलिंग याद हो जाएगी लाने की, ब्रिंग, ब्रिंग। नेक्स्ट देखिए सोचना, वैसे ये तो नॉर्मल ही है, किसी को भी ऐसा नहीं होता है कि इसकी स्पेलिंग याद नहीं होती है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे होते हैं बच्चे और बड़े भी स्पेलिंग में उनको मिस्टेक होती है। तो देखिए इंक की स्पेलिंग हम सबको इजीली याद रहती है, तो उसके आगे आप क्या करें, TH को ऐड कर दें, तो आपकी स्पेलिंग सोचना की बन जाएगी, थिंक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए खोजना, अब खोजते हम किससे हैं, मैं कहूँ आपको कि कुछ ढूंढो कुछ खोजो, तो आप हाथ से खोजेंगे कि पाँव से खोजेंगे या आँखों से खोजेंगे, आँखों से खोजेंगे। तो आँखों से खोजते हैं, तो पहले हम देख लें कि देखने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सी, ठीक है। इसी सी के आगे आप क्या लगा दें, के, तो वर्ब आपको याद हो जाएगी खोजने की, सिक। आपने हाइड एंड सिक जरूर खेला होगा, गेम होता है छुपन छुपाई का गेम होता है, छुपता है दूसरा उसको ढूंढता है, तो सिक मतलब होता है खोजना और हाइड मतलब होता है ढूंढना। नेक्स्ट देखिए लास्ट है इसकी, लड़ना, लड़ना को क्या कहते हैं हम, फाइट, FIGHT, फाइट। अब ये तो फर्स्ट फॉर्म हुई, अब आप कह रहे होंगे कि ये तो हमें याद है, मुझे भी पता है कि ये तो आप सबको याद होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जो ट्रिक यूज़ करेंगे वो सेकेंड और थर्ड की बात कर रहे हैं, कि फर्स्ट फॉर्म तो याद कर लेते हैं हम जनरली, लेकिन केवल फर्स्ट फॉर्म का उपयोग इंग्लिश में नहीं किया जाता। इंग्लिश में 3 फॉर्म जो होती है उनका उपयोग होता है, फोर्थ और फिफ्थ का भी उपयोग होता है, ING और S वाली इसी से बनती है, तो उसकी तो बात हम बाद में करेंगे, पहले सेकेंड और थर्ड कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। तो देखिए इन सभी जो वर्ब्स है उनमें आपको पीछे क्या लगाना है, OUGHT। अभी आप देखते जाइए मैं क्या कर रही हूँ, अभी आपको समझ में आएगा और आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना पड़ेगी, अपने आप इसको गेम की तरह जैसे हम खेलते हैं ना गेम, वैसे आपको ये याद हो जाएगी। और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, जो सेकेंड फॉर्म होगी वर्ब की वो ही सेम टू सेम स्पेलिंग आपको थर्ड फॉर्म में भी लिखना है। देखिए मैंने अभी ये लिख दिया है, लेकिन अब असली काम बाकी है, ये तो हमने सब में ऐड कर दिया क्योंकि लास्ट में यही आने वाला है, लेकिन इधर से भी कुछ शब्द इसके आगे ऐड होना बाकी है अभी, तो वो शब्द कैसे ऐड होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश में जब हम बात करते हैं, अगर एक इंट्रोडक्शन की बात करें, एक बिल्कुल शुरुआत की बात करें, डीपली अगर आप जाएंगे तो वोवेल्स में और ज़्यादा कैटेगरी आती है, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक का ले रहे हैं कि 26 जो A to Z लेटर होते हैं इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स, उनमें आपको 5 तो वोवेल्स मिलते हैं और बचे हुए 21 कॉन्सोनेंट मिलते हैं, ठीक है। वोवेल कौन कौन से होते हैं, ये AEIOU आप सबको पता भी होगा, ये तो नॉर्मल बात ही है, अब ये यहाँ काम आने वाले हैं इसलिए मैंने आपको बताए हैं। देखिएगा यहाँ से इधर कौन सा वर्ड जाएगा जो कॉन्सोनेंट है स्टार्टिंग में, तो बी कॉन्सोनेंट है, बी के बाद यू क्या है, वॉवेल है, तो यू नहीं जाएगा, बस क्या जाएगा, बी, ठीक है। इधर देखिए और सेम टू सेम तो मैं साथ में ही लिख रही हूँ, आप समझिएगा क्या हो रहा है यहाँ। उसके बाद देखिए बी भी कॉन्सोनेंट होता है,
आर भी कॉन्सोनेंट होता है, तो इन दोनों में क्या जाएगा, बी आर दोनों जाएंगे। ये हुआ बाय, बॉट, बोट। ये हुआ ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रोट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब आप खुद देखिए, टी कॉन्सोनेंट है और एच भी कॉन्सोनेंट है, तो हमें दोनों को उधर लेना पड़ेगा। तो टी एंड एच, तो क्या बना पूरा, थॉट, 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 थिंक, थॉट, थॉट। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि रटेंगे तो कुछ टाइम बाद में वापस भूल जाएंगे। थिंक का थिंक्ड, थिंक्ड करके आएंगे, ऐसे करके आएंगे, ऐसा बिल्कुल ना करें। अब देखिए, इसमें देखिए एस कॉन्सोनेंट है, ई तो नहीं है, तो हम केवल एस को लेंगे, इधर भी एस को लेंगे। सॉट, सॉट, सिक, सॉट, सॉट। और लास्ट देखिए एफ, एफ होता है कॉन्सोनेंट, आय तो नहीं होता है, तो हमें केवल एफ लेना है इधर। तो फाइट, फॉट, फॉट। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो आपको ये कभी भी जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगी। और इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक ही सबसे ज़्यादा होती है। तो कैसे बनाई हमने, ओ यू जी एस टी एक पैटर्न मैंने आपके लिए बनाया है, जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। इस टाइप से वर्ब कोई करवाता ही नहीं है, सब रटवाते हैं कि ऐसे कर लीजिए, वैसे रट लीजिए, लेकिन बनी कैसे है, हम अगर ऐसे याद करेंगे तो आपको कभी भी ये वर्ब भूलने में नहीं आएगी। और जब भी आप लिखेंगे तो आपको पता रहेगा कि हमने ऐसे बना रखी है कि ओ यू जी एस टी सबके पीछे लिख देंगे, इन पांच वर्ब की बात हो रही है, ठीक है। और फिर बी जो कॉन्सोनेंट है स्टार्टिंग के वो लेंगे बस। तो मैंने आपको करके बताया, आप इसको एक बार नोट करें और फिर इन वर्ब को लिखकर और कैसे मैंने बनाई है वैसा आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वर्ब्स का जो पैटर्न है वो अच्छा लगा या नहीं लगा। अगले जो वीडियो है उसमें मैं आपको नया पैटर्न बताऊंगी, जिसमें कुछ ओ वर्ब को हम ऐसे ही लर्न करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।